भाई ये तो बहुत फ्रेंडली, देखो हाथ लगा रहे उसके पास। बस हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अंदर व्लॉग। तो गाइस आज के व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, शाम के 4 बज रहे हैं अभी। मनीष है मेरे साथ। मनीष हेलो गाइस, कितनी पावर लगा रही, देखो उसको पकड़ने के लिए। और देखो खेत, सरसों का खेत कितना बढ़िया लग रहा है, पीछे बैकग्राउंड बढ़िया लग रहा है। तो मैं कल आ गया था भाई, तुम्हें पता ही है, पिछले लोगों आपने देखा मैं ट्रैवल ही कर रहा था, अभी मसूरी गया था घूमने, और एक दो लोग आपने मेरे देखे होंगे। पूरी प्लानिंग कर रहा था अपने भाई बाहर रहने की, क्योंकि मैं सोच रहा था ना जब मैंने स्टार्ट करा था अपना, तो मुझे ये था कि हाँ मैं अपनी जब मेरी 10K की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी तो मैं बाहर चला जाऊँगा, उस जिम्मा को लेके और लियो को लेके, वहीं पर वहीं पे अपना व्लॉगिंग करेंगे। तो पर बीच में कुछ होता है ना भाई, जब कोई स्टार्ट करता है कुछ काम वगैरह करना तो फिर कोई ना कोई भाई प्रॉब्लम होती है उसके साथ में। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि पापा को भाई कोई कुछ बोल रहा है कि वो तो डॉक्टरी छोड़ के आ गया, ये कर रहा है, वो कर रहा है, डॉग्स पाल रहा है, क्या करेगा वो, क्या खाएगा, ये सब। तो मुझे पता था मेरे को क्या करना है, मेरा टारगेट जो था, मैं कहा भाई 5-6 महीने रहूँगा 10K की फैमिली अपनी कंप्लीट होते ही तो मैं चला जाऊँगा फिर रुड़की या फिर देहरादून साइड में, वहीं पे अपना व्लॉगिंग करते और अपना अच्छे से रहते और आप लोगों को एंटरटेन करते, ये मेरा प्लान था। पर अभी बीच में मेरे को जाना पड़ गया क्योंकि भाई घर वाले बहुत बोल रहे थे, क्योंकि उनको बहुत सुनने को मिल रहा था बाहर वाले लोगों से, जो मेरे को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। फिर पापा भी मेरे को बहुत टोकने लग गए थे, मम्मी भी बहुत बोलने लगी थी कि भाई तो अपना बाहर ही देख लिया, वहीं कर लिया अपना। मैं कहा चलो ठीक है, मुझे गुस्सा तो आया, कहीं मेरी लड़ाई भी हुई भाई चक्कर में घर पे बहुत। तो मैं एक मैंने फाइनल डिसीजन लिया, मैं कहा यार ठीक है, जहाँ मैंने पहले हॉस्पिटल ज्वाइन करना था, मैंने जो छोड़ गया था वही मैंने ज्वाइन कर लिया, दिन में मैं ज्वाइन कर लूँगा हॉस्पिटल। और 15 दिन लगभग मेरे को हो गए बाहर गए हुए, मैं कल घर पर आया था लियो को लेने, और कुछ सामान वामान मेरे को घर से लेके जाना था वो लेने मैं आ गया था, और कल मेरे साथ जाएगा मनीष। तो चलेगा मेरे साथ, देखेगा भाई एक मिनट जाएगा कोई से रविशी में, जरूर चलिए रविशी। मेरे को कह रहा था कि मनीष को ले जाइए फिर मैं चलूँगा, इन दोनों में से किसी एक को लेके जाऊँगा, कि भाई सामान बहुत हो रहा है और बाइक से ही जाएंगे अपनी, क्योंकि ये छोटी है इतनी बड़ी नहीं, आराम से चली जाएगी। और थोड़ा सामान ही मेरे को लेना लेके जाना, उसको पकड़ के बैठ जाएगा रवीश या मनीष, कोई सा भी इनमें से दोनों में से। पता क्या है यार, लोग जब भी बोलेंगे जब तुम सक्सेस हो जाओगे, और जब भी बोलेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, तुमने कहाँ बोलना उनको बोलने देता, मैं भाई इग्नोर करता हूँ सब कुछ। अभी इन 6 महीनों मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने पर आएगा पता लग गया, बहुत कुछ सीखने को मिला भाई इन सबसे। पैर खींचने वाले बहुत होते हैं, सपोर्ट करने वाले बहुत कम मिलते भाई। इस बीच में व्लॉग कंटिन्यू कर ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, मैं लियो को लेके जा रहा हूँ साथ में, क्योंकि ये देखो बहुत वीक भी हो गई है मेरी लियो, और बोरा स्वेटर कितनी पावर लगा रही है देखो। तो मेरे चलते गन्ना लेने खेत में चलते हैं, पापा भी आ रखे हैं खेत में उधर, ट्रैक्टर लेके डेली घास वास लेके जाना होता है, तो दिखाता हूँ आपको वहीं पे चल के। तो गाइस अभी आ गए हम अपने खेत में, यही पीछे 12 लियो का मैंने यहाँ बांध दिया, देखो ये बंदरी मेरी लियो, देखो कितना नुकसान करती है ये लियो, इधर दिखा बेटे, ये देखो पूरा खा गई भाई कुछ नहीं छोड़ दी भाई, कुछ नहीं छोड़ दी। अब देखूंगा साथ में ले आके, इसकी थोड़ी आदत ख़राब हो गई है, 15 दिन से नहीं था तो उसकी आदत बहुत ख़राब हो गई है। इन दोनों को पारो वायरस हो गया था, तो इनको इनकी जान बचानी बहुत भारी हो गई थी, तो उस करके इनकी हाइट भी रुक गई है बीमारी की वजह से। तो मैं जा रहा हूँ गन्ना लेने, मेरा फेवरेट है भाई गन्ना, मैं गन्ना बहुत पसंद करता हूँ। तो वहाँ तो मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो भरोसा ही नहीं, तो फिर सबसे पहले गन्ना ले लेते हैं फिर बात करते हैं आपसे। लियो चिल्ला रही है भाई, देखो आवाज़ आ रही है, लियो चिल्ला रही है बहुत। तो गाइस गन्ना तो ले लिया मेरा, मनीष तेरा गन्ना कैसा है? मनीष देखो कितना तेज़ है भाई, इसने अपना गन्ना ले लिया बहुत स्ट्रॉन्ग सा, मतलब मजबूत सा, जिसमें ये मीठा लगेगा, और मेरा देखो कैसा पतला सा गन्ना ले लिया। अरे दिल जीते लुंडे ना, क्या चलो कोई बात नहीं, चूसते तुम्हें तो मजाक कर रहा हूँ भाई, किसान के बैठे हैं तो पता ही हो गन्ना कैसा कैसा नहीं है। सही है पतला गन्ना मीठा होता है, वैसा मैंने देखा जितना मोटा आप लोगों अंदर तो खराब निकलेगा, पतला तो अच्छा निकलेगा। क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही है, क्या हुआ? स्वेटर अभी खोल दिया, स्वेटर इस पर अटैक नहीं करता लियो पे, स्वेटर कभी लियो पर अटैक नहीं करता, लियो अटैक करती है, तो इसलिए हमने इसको खोल दिया और लियो बंध रही है उधर, लियो बांध दी है। ओह छोटी छोटी, ओह भाई साहब जंप देखी तुमने, चलो इसको छोड़ देता हूँ, मेरे को गन्ना भी चूसना, ये पापा आ गए खेत में गोले लेने, ठीक है ये छोड़ दो, तब तक मैं गन्ना चूस लेता हूँ। तो गाइस पापा भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उतर के ट्रैक्टर से, देखो तो पापा से बात करते हैं बाइक के बारे में। पापा हाँ जी, मुझे बाइक लेनी है। कैसी? 600 cc में। 600 cc में? दुनिया को मारेगा अरे मैया उठा दो, 600 लेने दो, ट्रैक्टर गाड़ी हो उठा दो, ये ज्यादा महंगी नहीं है वा। अच्छा कितने की? हाँ कितने की वो? बस ज्यादा 8 लाख रुपए की आओगी। 8 लाख की
क्या गिरवी धरूंगा कुछ तोबा तोबा तोबा। दुबई पापा कह रहे हैं कुछ गिरवी रखो, जब दिलाऊंगा तेरे को बाइक। गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, मैं कमा लूंगा खुद, टेंशन ना लो भाई। इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं खुद ले लूंगा। मेरा जो प्लान है ना, अब मैं लूंगा 600 cc या 650 cc में बाइक। ये तो मैं लूंगा, मेरे को पता है बेनीली 600i जो आ रही है, फिर CBR 650 जो आ रही है, 4 सिलेंडर बाइक है, बहुत बढ़िया बाइक है, वो लेऊंगा। 900 या 800 उनमें से भी कोई सी लेऊंगा, मेरे को पसंद नहीं, नेकेड बाइक मेरे को पसंद नहीं आती है। वैसे कावासाकी की बहुत बेस्ट बाइक है पर मेरे को पसंद नहीं। देखो पापा रनिंग कर रहे हैं, अभी पापा की एज होगी होगी भाई कम से कम 45 साल होगी, क्योंकि मैं मेरी जितनी होगी है, हाँ पापा की एज 45 साल होगी होगी। और अभी देखो एक्सरसाइज करते पापा भाई खेत पा गए, बहुत पॉजिटिव रहते हैं अपनी फिजिक को लेकर, ऐसा होना चाहिए, हर किसी को ऐसा होना चाहिए। मैं भी स्टार्ट करूँगा जाके, अब जिम ज्वाइन करूँगा और फिर जो अपना डेली रूटीन बनाऊँगा अपना, फिर डेली रूटीन का कैप्चर करूँगा वो आपके साथ शेयर करूँगा जितना मेरे से होगा डेली का। तो जल्दी जल्दी गन्ना चूस लेते हैं, फिर बात करते हैं आपसे बाद में। तो कैसे गन्ना चूस लिया, तेरा ख़त्म नहीं हुआ अब तक, ख़त्म नहीं हुआ तो कर ले जल्दी ख़त्म। तो गन्ना वगैरह चूस लिया, चलते घर, ट्रैक्टर तो पापा लेके आ जाएंगे। हाँ लियो देखो, देख लो भाई कितनी गंदी होगी, नोज वोज सब। अभी खेले जस के साथ चल रहे हैं, चल घर बाद में खेलियो, चलो आओ। तो अभी चलते हैं घर, चल भाई मनीष। देखियो गन्ना खा रही है, देखो सनसेट भी हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है भाई। एक दो फोटो ले ली जाके, मुझे ऐसे फोटो लेते हैं, एक दो इंस्टाग्राम के लिए फोटो डालते हैं। अच्छा तो भाई तभी इंस्टाग्राम के लिए रील शूट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्प्ले मिल जाएगी। आज वीडियो वगैरह हमने शूट कर ली है, ये रहा मनीष और ये जा रहे दोनों अपने पत्थर, मेरी लियो इधर में रात में, मनीष मनीष शूटर को ले रहा है। तो भाई अभी सीन हो गया था, अभी APPT के मेल है दो, यहाँ उनसे मिलाने लगे गए थे भाई, बहुत चिल्लाने लगे दोनों का, दोनों स्वेटर भी है लियो भी बहुत चिल्लाने लगे। देखो अंदर देखो साउंड आ रही होगी भाई, बहुत कड़ता कड़ा सीन हो गया था, तो आना पड़ेगा कि पिंजरे में से निकल गया था भाई, बहुत तो हैवी डॉग है और ये छोटे हैं बच्चे ही हैं अभी तो दोनों। तो ये एक ही है मेरे की है भाई, चिल्ला रहे हैं पूरे, बहुत गंदा सीन हो गया था भाई, लेके अंदर आ गए थे पूरे भैया, देखो कितने फ्रेंडली है। अटे भाई ये तो बहुत फ्रेंडली है, देखो हाथ लगा रहे उसके, बस बस ये तो बहुत फ्रेंडली है। और ये शरीफ नहीं है भाई, बिल्कुल भी चिल्ला था। देखो करो लोग एंड करो भाई, के है यो मार साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइबर सब करो भाई। हाँ ठीक, तो चलो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लोग में।